गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास सेशन ऑफ क्लास 10th. सो वी वर जस्ट स्टडिंग पॉलिटिकल पार्टीज, चैप्टर नंबर 6 ऑफ पॉलिटिकल साइंस. सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो यू हैव सीन, एंड टुडेज टॉपिक विच विल स्टडी ऑफ दैट चैप्टर इज द फर्स्ट वन, दैट इज नेसेसिटीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. In the last topic, we have studied about the various functions of political parties. तो हमने बहुत से functions पढ़े, to contest elections, to make laws, they work as opposition also and create a check and balance on the government or the ruling party, they shape public opinion, they create a link between the political party means and political parties create a link between people and the government machinery. So these all were the functions. Now necessity, the first point which you will study in the NCERT book actually, it mentions that the list of functions as it is written here, in a sense answers the questions. मतलब कई functions ऐसे हैं जिनके functions के basis पे ही कई बार हम ये answers को point out कर सकते हैं कि answers हुए क्या हमारे. कई functions ऐसे हैं जो necessity भी हैं, जैसे to form and run government. अभी नेसेसिटीज़ के पॉइंट जब मैं बताऊंगा तो हम आपको फंक्शंस वाले पॉइंट भी टैली करेंगे. टू फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, और एज आई सेड दैट इट इज़ क्वाइट ईजियर एज आई व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग द फंक्शंस की इट इज़ क्वाइट ईजियर फॉर द पॉलिटिकल कॉमन पीपल, अ कॉमन सिटीजन टू इंटरेक्ट विद द गवर्नमेंट मशीनरी थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज. एक लोकल लीडर से मिलना आसान है इन कंपेरिजन टू मीट डायरेक्टली टू द चीफ मिनिस्टर और टू द प्राइम मिनिस्टर. तो इट बिकम्स ईजियर फॉर अस टू कन्वे द मैसेजेस एंड द थिंग्स. तो कई बार वो फंक्शंस की लिस्ट की वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज टू फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट. अब नेसेसिटी में ही पॉइंट अगर आप बनाने लगो, जैसे मैंने कहा कि कुछ पॉइंट्स हमारे टैली करते हैं, अभी कुछ और लॉजिक्स हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. पहले पुराने वाले से टैली कर लिया जाए, जो फंक्शंस आपको मैंने पढ़ाया था पिछले वीडियोज़ में भी था वो, और ऑब्वियसली हमारा जो लाइव क्लास था उसमें भी था. तो एक पार्ट तो वो हो गया कि हम उन्हीं फंक्शंस को नेसेसिटीज बना के लिख दें कि वी नीड, देर इज़ अ नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, देर इज़ अ नेसेसिटी टू शेप पब्लिक ओपिनियन. आखिर कौन करेगा, लोगों के जो विचार है, मत है, आखिर उसको एक शेप लेकर कौन बढ़ेगा, हु विल कन्वे दैट थिंग. तो एक पार्ट तो ये हो गया. दूसरा नेसेसिटी जो है, जो पॉइंट यहाँ पे अब लॉजिकली अब इस टॉपिक पे सिर्फ बात किया जाए कि आप एक सिचुएशन इमेजिन करिए, इसको इमेजिन करिए. तो इमेजिनेशन में आपकी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, नो पॉलिटिकल पार्टी इज देयर. नेसेसिटी पे बता रहा हूं मैं आपको. तो व्हेन देयर इज नो पॉलिटिकल पार्टी, ऑब्वियसली एवरी कैंडिडेट विल बी, व्हाट विल हैपन, एवरी कैंडिडेट विल बी इंडिपेंडेंट होगा ना, हर एक प्रत्याशी स्वतंत्र हो जाएगा, निर्दल हो जाएगा, क्योंकि दल है ही नहीं, कोई पार्टी है ही नहीं, तो सब कोई निर्दल हो जाएंगे. अच्छा, निर्दल हो जाने में नहीं कोई दिक्कत है, कुछ कैंडिडेट्स निर्दल चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, संसद में जाके बैठते हैं. प्रॉब्लम ये आएगी कि जो अभी हम लोग नेसेसिटी की बात कर रहे थे कि अब सिचुएशन इमेजिन करिए कि चूंकि ये कैंडिडेट इंडिपेंडेंट है, तो जो कैंडिडेट है वो इलेक्ट कहां से हुआ है, ये कैंडिडेट जो इंडिपेंडेंट है ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट हुआ होगा, तो ये किसके लिए जवाबदेही ज्यादा ध्यान देगा, अपने उस व्यक्तिगत क्षेत्र के लिए जवाबदेही ध्यान देगा जिस क्षेत्र से ये चुन के आया. ऐसे सब अलग अलग जितने देश भर में हमारे प्रत्याशी चुनाव जीत के निर्दल पहुंचेंगे संसद में, वो सभी के सभी दे विल ओनली लुक आफ्टर और दे विल फोकस ओनली टू देयर ओन कॉन्स्टिट्यूएंसीज फ्रॉम वेयर दे हैव बीन इलेक्टेड. दे विल नॉट बॉदर अबाउट द कंट्रीज पॉलिसी, द मेजर पॉलिसीज. अब आप इमेजिन करिए कि पूरे देश के लिए प्लानिंग पॉलिसी कौन बनाएगा, हु विल मेंटेन इंटरनेशनल रिलेशंस, कौन जाएगा इंटरनेशनल रिलेशंस बनाने के लिए दूसरे देशों से, या यूनाइटेड नेशंस में, या जो भी और सार्क है, या और जो भी जितनी कंट्रीज के एसोसिएशन इस तरह के हैं, वहाँ कौन हमें रिप्रेजेंट करेगा. तो क्योंकि हर कैंडिडेट तो ये ध्यान देगा कि हम देश के लिए पूरा करने जाएंगे तो इधर हमारे क्षेत्र में हम हार जाएंगे अगली बार से, फिर
तो एक ये चीज़ है, कोई डिफेंस के इश्यूज हैं, कोई मेजर करेंसी इश्यूज है, इकोनॉमिकल इशू आया तो इकोनॉमिकल इशू आता है तो पूरी कंट्री, पॉलिटिकल पार्टी एक्चुअली ग्रुप होती है तो वो एक एक क्षेत्र से तो जीतते ही जीतते हैं, लेकिन वो जब भी मैनिफेस्टो देते हैं तो वो पूरे कंट्री के लिए पॉलिसी और प्रोग्राम्स तैयार करते हैं कि हम जीतेंगे तो हम देश में ये करेंगे, हम ये प्लानिंग लाएंगे, हम इतना फंड देश के लिए खर्च करेंगे, हम इन देशों से अपने संबंध अच्छे करेंगे या हम इन देशों से अपने डिफेंस रिलेशंस को मेंटेन करेंगे। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि वो उस केस पे आसान हो जाता है मेजर पॉलिसीज़ को इनैक्ट करना। तो इसीलिए नेसेसिटी है पॉलिटिकल पार्टीज़ की मेजर पॉलिसीज़ को बनाने के लिए, मेजर प्रोग्राम्स को बनाने के लिए, और एक अकाउंटेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम कहते हैं वो ज़रूरी है। किसी एक के हाथ में जब तक नहीं दिया जाएगा तो एक यहाँ मीन्स एक पॉलिटिकल पार्टी हो गई, ग्रुप जो गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है, तो वो लायबल हो जाती है, वो जिम्मेदारी एक तरह से हो जाती है, उसकी जवाबदेही हो जाती है। हम पूरे सरकार से पूछते हैं ना कि आपने कहा था कि आप रोज़गार बढ़ाएंगे और रोज़गार नहीं बढ़ा, तो हम पूरे गवर्नमेंट उस पॉलिटिकल पार्टी से क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर कहीं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सारे हुए तो आप किससे पूछने जाएंगे? आप सिर्फ अपने क्षेत्र वाले सांसद से बात करेंगे या अपने क्षेत्र के विधायक से बात करेंगे, वो कहेगा साहब हमने अपने क्षेत्र में इतना फंड कराया, ये रोड बनी है, इंडस्ट्री नहीं आ पाई, वो उनके एरिया में चली गई, वो उनके एरिया में चला गया। तो इस तरीके से नेसेसिटी है पॉलिटिकल पार्टीज़ की। कुछ और पॉइंट दिए हुए हैं यहाँ पे, आपके एनसीईआरटी बुक के थ्रू ही मैं चल रहा हूँ जिससे कि वो टॉपिक्स आपके क्लियर होते रहें। तो एक तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है, जो दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इट इज़ लिंक्ड टू द एमर्जेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। देखिए, दूसरी नेसेसिटी है कि चूंकि हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया ही है। रिप्रेजेंटेटिव मींस हर चुनाव क्षेत्र से हम अपना एक प्रतिनिधि भेजते हैं, हम सब संसद में जाके बैठ नहीं सकते, तो वी जस्ट इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवरसेल्व्स फ्रॉम आवर कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड दैट पर्सन होल्ड्स द पावर इन द पार्लियामेंट एंड लुक आफ्टर दैट पर्टिकुलर एरिया और कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम वेयर ही इज इलेक्टेड, जहाँ से वो चुना जाता है। क्योंकि डायरेक्ट डेमोक्रेसी इंडिया जैसे कंट्री के लिए पॉसिबल नहीं है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी स्विट्जरलैंड जैसे देशों के लिए ही संभव है जहां बहुत सीमित संख्या में जनसंख्या है और टेक्नोलॉजिकली या इकोनॉमिकली भी बहुत एडवांस है कि वो हर एक मुद्दे पर जनता से वोट ले सकें और वो आंसर करें और उस बेसिस पे लॉ बने। यहां पॉसिबल नहीं है इतने वास्ट पॉपुलेशन और इतने बड़े एरिया में। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में आखिर रिप्रेजेंटेटिव, वही चीज़ फिर बात आ गई कि लायबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा, जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि अगर पार्टी नहीं होगी तो जो व्यक्तिगत कैंडिडेट खड़ा होगा वो सिर्फ अपने क्षेत्र तक के बारे में सोचेगा। तो ये तो हो गया हमारा टॉपिक जो हम लोगों ने बात किया नेसेसिटीज़ की। बाकी कोई डाउट होंगे लाइव क्लास में उसको डिस्कस किया जाएगा जो है, वैसे इसमें इतना ही दिया एनसीईआरटी ने। अब आते हैं एक दूसरा टॉपिक जिसको कि हम लोगों ने लाइव क्लास में डिस्कस भी किया था, लेकिन चूंकि संख्या कम थी बच्चों की तो दोबारा से उसको वीडियो में डालना जरूरी था कि द स्टूडेंट्स हु हैव नॉट बीन पार्ट ऑफ दैट लाइव क्लास डिस्कशन दे शुड ऑल्सो नो अबाउट द टॉपिक हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव। अब ये हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, कितनी पार्टीज होनी चाहिए? तो अब पहले पार्टी के सिस्टम्स को समझ लिया जाए, उसके बाद लास्ट में आंसर पे कंक्लूजन पे आया जाएगा, क्योंकि तभी आपके समझ में आएगा। जिन लोगों ने लाइव क्लास ली थी इस पे काफ़ी देर तक डिस्कशंस भी हुए थे, एक्सप्लेनेशन हुआ था, लेकिन दोबारा से समझ लें। देखिए, दुनिया में तीन तरह के पार्टी सिस्टम्स प्रिवेलेंट हैं। एक है वन पार्टी सिस्टम, एग्जाम्पल के लिए चाइना, एक सिंगल पार्टी ऑपरेट कर रही है पूरे कंट्री को, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। चुनाव होते हैं लेकिन है क्या कि चूंकि चेहरा बदल जाएगा, इस बार हम चुनाव लड़े, अगले बार कोई और चुनाव लड़ेगा हमारे ही पार्टी से, जिसको कि उनकी कमेटी पूरी अप्रूव करती है और वो इलेक्ट होता है, बट अल्टीमेटली द पार्टी रिमेन्स इन द पावर फॉर एवर। जो पॉलिटिकल पार्टी है वो चुनाव में इधर से उधर नहीं होती है, चुनाव हम जीत के पहुंचे चाहे आप जीत के पहुंचे, कोई जीता, सरकार बनी रहेगी कम्युनिस्ट पार्टी की ही, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की। तो ये वन पार्टी सिस्टम है, इसको तो डेमोक्रेटिक फीचर्स के हिसाब से इसको कंसिडरेशन में नहीं लिया जा सकता, नॉट कंसिडर्ड एज डेमोक्रेटिक।
तो पहले ही वाला जो पार्ट हमने पढ़ा नंबर वन, ये पार्टी सिस्टम, चूंकि मैं बता रहा था अभी कितनी होनी चाहिए कितनी नहीं, वो लास्ट में कंक्लूजन में आएंगे और खुद आप जवाब खुद से भी जान जाएंगे। लेकिन जो पहला पार्टी सिस्टम है, वन पार्टी सिस्टम, चाइना में है प्रिवेलेंट, और अगर कहीं है तो इसको डेमोक्रेटिक नहीं मानते, क्योंकि क्लास नाइन्थ में आपने पढ़ा हुआ है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी में, या उसके पहले सिविक्स में भी सेवन्थ एट्थ में आपने पढ़ा होगा कि डेमोक्रेसी के बेसिक फीचर्स में है पीपल शुड हैव चॉइस, मींस दे शुड हैव मल्टी पार्टी, कि हमारे पास चॉइस हो, हमारे पास ये ना हो कि अब यही पॉलिटिकल पार्टी इसी को चुन के फिर से शासन में बैठा देना, तो हमारे पास एक चुनने का अवसर, हमारे पास विकल्प मौजूद होने चाहिए। दूसरा जो सिस्टम है वो है टू पार्टी सिस्टम, जो दुनिया में है कुछ जगहों पर, जैसे खास करके दो मेजर कंट्रीज में, जैसे आप USA अमेरिका में और यूनाइटेड किंगडम जिसको आप ब्रिटेन या इंग्लैंड कहते हैं, यहाँ दोनों जगहों पर टू पार्टी सिस्टम है। तो एटलीस्ट जब दो पार्टी सिस्टम है तो यहाँ पे भी एक चीज़ हमारे ये समझ में आ जाती है बहुत क्लियरली कि दो पार्टी सिस्टम है मतलब कि लोगों के पास भाई ये अवसर तो है कि इस बार हमने इस पार्टी को चुना, लेबर पार्टी को चुना, अगले बार नहीं हम संतुष्ट थे उनके 5 साल के कार्यकाल से तो हमने डेमोक्रेट्स को चुन लिया, तो एक विकल्प मौजूद हुआ, इसलिए डेमोक्रेटिक फीचर है ये, दिस इज डेमोक्रेटिक फीचर, ठीक है। तो ये दूसरे तरह का पार्टी सिस्टम हो गया जहाँ पे दो पार्टियाँ हैं और ये दोनों ऑपरेट करती हैं, जनता के सामने चॉइस भी आ गया कि आइदर टू चूज फ्रॉम एनी वन पार्टी इफ दे आर सेटिस्फाइड और नॉट सेटिस्फाइड अकॉर्डिंगली। थर्ड सिस्टम दैट इज कमिंग हियर इज मल्टी पार्टी सिस्टम, देखो एक चीज और कि टू पार्टी भी मल्टी ही हुई, मोर देन वन मल्टी होता है, लेकिन यहां चूंकि स्पेसिफाइड कर दिया गया है दो पार्टियां ही हैं यहां पे, इसीलिए इसको टू पार्टी सिस्टम कहा गया। तीसरे की जब हम बात करते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम की, मींस मोर देन वन पार्टी इफ देयर आर जो है ये अगर इसमें काम में, तो मल्टी पार्टी मींस मोर देन वन। अब जैसे अपने इंडिया की बात की जाए तो हमारे यहां तो बड़े थोक भाव में पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो एनसीईआरटी डेटा एनसीईआरटी बुक का डेटा है वो ये कहता है कि हमारे पास 750 रजिस्टर्ड पार्टीज हैं। कहाँ से रजिस्टर्ड हैं? ये रजिस्टर्ड हैं इलेक्शन कमीशन से, चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको कर लीजिए आप, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनको रजिस्टर्ड, जैसे उनको मान्यता दे रखी है कि हाँ आपकी पार्टी का ये नाम है, आपका ये सिंबल है। आगे और क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं वो हम लोग जब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेशनल लेवल पार्टीज, स्टेट लेवल पार्टीज, उनका क्या क्राइटेरिया होता है वो सारा कुछ पढ़ा जाएगा। तो मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया में 750 हैं, यहाँ पे बहुत ढेर सारी पार्टीज हैं। अब आते हैं हम लोग अगर अपने टॉपिक पे दोबारा से आंसर के लिए, तो अब इन्हीं दो को डिस्कस, चुकी ये तो पहले ही कर चुका है, वन पार्टी सिस्टम तो डेमोक्रेटिक फीचर है ही नहीं, तो वी विल नॉट डिस्कस अबाउट दिस वन पार्टी सिस्टम। नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द आंसर्स। पहले कंडीशन हमने देख ली कि चाइना जैसी कंट्रीज जहाँ एक पार्टी काम करती है, टू पार्टी सिस्टम भी है कुछ बड़े देशों में दुनिया के जैसे इंग्लैंड और अमेरिका में, वो भी ठीक है, वो डेमोक्रेटिक है। और तीसरा मल्टी पार्टी सिस्टम जहाँ बहुत ढेर सारी पार्टियाँ हैं वो है इंडिया जैसी कंट्री। अब इंडिया में इतनी ज़्यादा क्यों है? इंडिया में ज़्यादा इसलिए है क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है ना, और हमारे पास डाइवर्सिटी हर तरह की है, जो विविधता है, जो वर्सेटैलिटी है हमारे कंट्री में, वो हर तरह की है, वो रीजन वाइज भी है, वो रिलीजन वाइज भी है, माने क्षेत्र के आधार पे भी विविधता है, कहीं पहाड़ है, आपने नाइन्थ में पढ़ा है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, कहीं पहाड़ है तो कहीं प्लेन्स है, कहीं कोस्टल एरियाज है, तो इसलिए लोगों का रहन सहन, खान पान, वेशभूषा सब अलग हो जाता है, और इसीलिए जगह जगह के मुद्दे भी अलग हो जाते हैं, रीजनल मैटर्स अलग अलग हो जाते हैं, रीजनल इश्यूज अलग अलग हो जाते हैं। तो इसीलिए हमारे यहाँ रीजनल पार्टीज जो है वो ज़्यादा एग्जिस्टेंस में आ गई। रीजनल पार्टीज को आप जो हिंदी में कह सकते हो क्षेत्रीय पार्टियाँ, जो एक क्षेत्र विशेष तक ही सीमित होती हैं, जैसे बीजू जनता दल। अब बीजू जनता दल सिर्फ उड़ीसा में है, बीजू जनता दल इज इन उड़ीसा, बिहार में जनता दल यूनाइटेड सरकार में है, उनके मुख्यमंत्री हैं, यूपी में एक भी सीट नहीं, क्षेत्रीय पार्टी। समाजवादी पार्टी यूपी में 2 बार 4 बार गवर्नमेंट बना चुके हैं, दूसरे स्टेट्स में कहीं 1 सीट 2 सीट मैक्सिमम पाते हैं,
तो इसीलिए ये रीजनल पार्टीज हैं, ये हर एक स्टेट वाइज अलग अलग पार्टीज हैं जो बनी हैं, जो वहाँ के लोकल मुद्दों या वहाँ के लोकल लीडर्स के थ्रू इनैक्टमेंट में आती हैं, उन मुद्दों को उठाती हैं और वहाँ लोकली पॉपुलर होती हैं। तो हमारे यहाँ अधिक पार्टी होने का कारण है कि हमारे यहाँ वर्सेटैलिटी, विविधता बहुत ज़्यादा है, रीजन वाइज, रिलीजन वाइज, कास्ट वाइज, तो लैंग्वेज वाइज, तो इसीलिए हमारे यहाँ ढेर सारी पार्टियाँ हैं। अब वापस घूम के आ जाए टॉपिक पे कि हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव। तो अब तीनों पार्टी का सिस्टम आपके समझ में आ गया। अब हमारे सामने आता है कि भाई अब देख ले होना कितना चाहिए, तो होना चाहिए मोर देन वन। इफ इट इज मोर देन वन मतलब टू पार्टी भी सही है और मल्टी पार्टी भी सही है। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि गलत है, उसका रीज़न है। आप सोच रहे होंगे कि जैसे इंडिया में बहुत ज़्यादा पार्टीज़ हैं तो, और यहाँ दो ही हैं, यहाँ दो हैं इनके लिए ये ठीक है, क्योंकि पहला तो डेमोक्रेसी के फीचर को ये फॉलो कर रहा है, पीपल आर हैविंग चॉइस, एक से अधिक हो गया तो लोगों के पास विकल्प है, अब बदलेगा शासन इनमें या उनमें, दो ही में बदलेगा लेकिन बदलेगा। दूसरा ये कि चूंकि इन कंट्रीज़ में, अब आप यूनाइटेड स्टेट्स के जरा सा इंटरनल इशूज़ को देखिए, जनरली दे ऑल आर क्रिश्चियंस, जनरली दे ऑल स्पीक इंग्लिश, तो ये कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिसके वजह से बहुत ज़्यादा रीजनल वेरिएशन उनमें लैंग्वेज या फूडिंग या रिलीजन वाइज नहीं है, तो इसलिए इनके लिए इसको सही माना जा सकता है, वहाँ सही है। हमारे देश में जैसा अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया कि चूंकि हमारे देश में इतनी ज़्यादा वर्सेटैलिटी, अलग अलग भाषाएँ हैं, वहाँ रहने वाले लोगों की खान पान, वेशभूषा, भाषा सब अलग हो जाती है, क्षेत्र अलग हो जाता है, तो वो हमारे यहाँ उतनी नेसेसिटी है। तो कहने का मतलब हुआ लास्ट में आंसर के कि वी शुड हैव एटलीस्ट मोर देन वन पार्टी, एंड नंबर ऑफ पार्टीज डिपेंड्स ऑन द लोकल कंडीशंस। ये एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको अगर आपसे बोर्ड क्वेश्चंस में ये आता है तो आप जरूर नीचे एग्जांपल्स देने के बाद मेंशन करिएगा कि इट शुड बी मोर देन वन, इट मे बी टू पार्टीज, इट मे बी मल्टी पार्टीज, वो 750 हो, 500 हो, 200 हो, तो वो डिपेंड करता है वहाँ के लोकल ज्योग्राफिकल या मतलब जो वहाँ के रीजन्स हैं उनके बेसिस पे पार्टी की संख्या कितनी हो जा रही है, ये वहाँ के लोकल कंडीशंस पे डिपेंड करता है, तो इसको ज़रूर मेंशन करिएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट विच वी आर टॉकिंग टुडे। तो यहाँ पे दिया हुआ है, इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड अ मल्टी पार्टी सिस्टम बिकॉज इट इज़ सोशल एंड ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी इन सच अ लार्ज कंट्री इज़ नॉट ईजिली एब्जॉर्ब्ड बाई टू और इवन थ्री पार्टीज। इतनी ज़्यादा रीजनल डाइवर्सिटीज़ हैं कि दो या तीन पार्टियाँ मिलकर उन मुद्दों तक को पहुँच ही नहीं सकती हैं, इसीलिए हमारे यहाँ जो ये सिस्टम है इसमें कोई बुराई नहीं है और वो हमारे कंडीशंस के हिसाब से ये 750 या मल्टी पार्टी एक्सेप्टेबल है, यहाँ के कंडीशंस के हिसाब से ये एक्सेप्टेबल है। अब मैं आपको बता देता हूँ उन बच्चों के नाम, 10th में बच्चों ने कम कमेंट किया था लास्ट वीडियो पे, और 9th का बल्कि जो वीडियो गया था उसमें ज़्यादा कमेंट्स आए थे। तो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट। सो बिफोर गिविंग यू द नेम्स, आज वाला देख लेता हूँ, इसमें सिर्फ 16 कमेंट्स आए थे, उसमें भी एक 9th का स्टूडेंट है, उसने कमेंट कर दिया था, उसका नाम मैं इस वीडियो में नहीं लूँगा, मतलब ऐसे कह लो 15 कमेंट्स हैं और बहुत कम था भाई, ये तो थोड़ा सा अजीब लगा, 9th वालों में ज़्यादा आया था। इस वीडियो के बाद देना बढ़िया कमेंट, बढ़िया मीन्स ज़्यादा, बढ़िया से मतलब ज़्यादा से, बढ़िया का ऐसा कोई मेरी चाहत नहीं है कि बहुत खुश करने वाले ही कमेंट्स हो, आंसर्स दें, वो आप ही के लिए है, तो कुछ नॉलेज होती है, आपकी इन्वॉल्वमेंट होती है, इसलिए ऐसा करता हूँ। आज का क्वेश्चन है थोड़ा जीके बेस्ड क्वेश्चन भी हो जाएगा और हमारे चैप्टर से भी बेस होगा। नेम टू पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका में जो दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखने। अमेरिका में इलेक्शंस भी होने जा रहे हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस वहाँ होते हैं, आप जान रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप और जो बिडेन में होने जा रहे हैं। अब आपको बताना है दोनों किस किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, मीन्स दो पॉलिटिकल पार्टीज यूएसए की आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में और नीचे अपना नाम जरूर लिख देंगे। तो ये आज का टास्क हो गया। और पिछले वीडियोस में जिन लोगों ने कमेंट किया उसमें आर्यन प्रजापति, देन वी हैव शुभांकुर, साहिल राज, नैन्सी शर्मा, देन वी हैव खुश करमचंदानी, मानसी पांडे, शुभम वर्मा, सुधांशु कुशवाहा, अंश मिश्रा, गौरी, देन वी हैव वन मोर, मारिया खुर्शीद, नित्यांश पांडे,
आकाश यादव, कृष्णा दुबे, दीज वर द स्टूडेंट्स दोज हु हैव कमेंटेड। तो बहुत बढ़िया, और उम्मीद करता हूँ कि इस वाले वीडियो के बाद ये आंसर में ढेर सारे कमेंट्स आएंगे। भर दो इस बार कमेंट बॉक्स। टिल देन गुड बाय।